मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई है और चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। बता दें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के डाबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए, यह क्या आइटम है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर असहमति जताई थी और वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है और मैं ऐसी भाषा की सराहना नहीं करता हूं। वहीं कमलनाथ से जब राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की राय है और मैं तो पहले से ही कह चुका हूं कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। आगे कांग्रेस नेता कमलनाथ से सवाल हुआ कि क्या वो इस बात की माफी मांगेंगे तो कमलनाथ ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, मैंने तो कल ही कह दिया था अगर किसी को गलत महसूस हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। वहीं शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी को तो खुद ही जनता के बीच में जाकर माफी मांगनी चाहिए।